जो ओले पड़ रहे भाई। हाँ तो भाई ऐसे मौसम में कैंपिंग कैसे होगी? हाँ देखते हैं, लोकेशन में पहुँचते हैं पहले। भाई एकदम पुराना जंगल है, ऊपर इधर साइड में जंगल, इधर जंगल, दोनों तरफ जंगल है इसमें। यस in Hindi it's a prasad, a prasad, yes, after worship you get prasad from pandit and by taking this prasad you can fulfill all your needs, all your you can say requirements and you can ask god anything you want. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? सो घुमक्कड़ गाइज चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार घुमक्कड़ गाइज निकल चुके एक नए एडवेंचर ट्रिप पे, और ये एडवेंचर ट्रिप अगेन जो है इस बार थोड़ा सा खास होने वाला है। हम लोग हर बार खास ही बोलते हैं वैसे, तो इस बार खास क्या होगा, इस बार रेन में हम लोग कैंपिंग करेंगे। एक्चुअली पूरी रात बारिश रही है मुजफ्फरनगर में, और अभी भी हम लोग रास्ते में, हम लोग रुड़की पहुँच गए एक्चुअली, और यहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो रेन कैंपिंग है उसका मज़ा अलग ही होता है। रेन कैंपिंग में खाना बनाना, एडवेंचर करना, जंगल में रहना, तो इसका अलग ही मज़ा है। तो इस बार आप लोगों के साथ लेके चलते हैं, दिखाते हैं भाई क्या क्या हम लोग करते हैं कि कैंपिंग में। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा भाई, पहली बात तो लास्ट वीडियो को भाई प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें आपने बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया। आप लोगों का बहुत प्यार मिला उस वीडियो को लेके, अच्छे लाइक साइज पे कमेंट्स भी आए। जो लेपर्ड वाली वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी भाई जाके अभी पहले वो वीडियो देखो, इसको बाद में देखना। और भाई हमने एक्चुअली लास्ट टाइम क्या हुआ था कि टेंट भी हमने छोड़ दिया था वहीं पे, तो टेंट हम लोग नया लेके आए, और हमने इक्विपमेंट्स जो है और नया लेके आए, जो कैंपिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस बार प्रॉपर तैयारी के साथ हमने एक्चुअली स्लीपिंग बैग्स भी लिए, बहुत चीज़ें हमने ली है इस बार, सो दैट कि कैंपिंग को थोड़ा सा ईजी बनाया जाए, थोड़ा सा और फैंसी तरीके से हम लोग कर सके। सो लेके चलते हैं आपको नई जर्नी पर, और इस एडवेंचर ट्रिप में आई होप कि आप लोग जाना जैसे आपने पहले इन्जॉय किया इस बार भी इन्जॉय करेंगे, और मिलते हैं भाई। हाँ तो भाई ऐसे मौसम में कैंपिंग कैसे होगी? हाँ देखते हैं, लोकेशन में पहुँचते हैं पहले। भाई हम लोग अभी बादराबाद हरिद्वार में एंट्री भी नहीं की है, और ये देखो मौसम का क्या हाल है, क्या जबरदस्त बारिश हो रही है भाई। बारिश बड़ी खतरनाक है। अभी रुड़की तक कुछ दिन था, हल्की हल्की बारिश थी, और यहाँ आती तो अलग ही नहीं जा रहे हैं भाई, टोल क्रॉस करते ही। हाँ ये टोल क्रॉस करते अलग ही नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतनी जबरदस्त बारिश है। तो आज ऐसी बारिश में कैंपिंग होनी है तो मजे आएंगे भाई। देखो एडवेंचर तो लेकिन साथ में मजा भी आएगा, तो बने रहो, ये वीडियो बहुत शानदार होने वाली है दोस्तों। इतनी बारिश में यार रोड तो दिख नहीं रही, गाड़ियाँ दिख नहीं रही, कैंपिंग कैसे होगी, कैसे पॉसिबल होगा यार ये? अब जब निकले तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो जैसे एडवेंचर था मौसम भी साथ दे रहा है भाई, बारिश बढ़िया हो रही है, और आज कैंपिंग का मजा आ जाएगा। ऐसे बारिश में कैंपिंग करनी थी भाई, मेरा कुछ सपना था कि बारिश में कैंपिंग करने का, और फाइनली आज वो पूरा हो रहा है भाई, मजा आएगा। हरिद्वार में हम लोग आ गए। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और बढ़ गई बारिश, देखो भाई जैसे पास जाते जा रहे हैं ना, बारिश बढ़ते जा रही है। कभी देखिए सर, कभी आपने देखिए सर्दी के मौसम में ऐसी बारिश नहीं होती भाई, ऐसी बारिश तो जो है बरसात के मौसम में होती है। बताओ गाड़ी तक नहीं दिख जाके, देखो तो बहुत बुरा हाल है। चलो इंजॉय करते हैं इसी मौसम को, बने रहो आज वीडियो में भाई। आज नहीं स्किप मत कर देना बिल्कुल भी, वीडियो को स्किप करोगे तो ये सारे नज़ारे छूट जाए तुमसे, तो पूरी वीडियो देखनी है आज। मिलते हैं। हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। शिवरात्रि की तैयारी पूरी पूरी चल रही है। शिव शंभू। पहुंच गया ऋषिकेश और भाई बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं इतनी बारिश तेज होती जा रही है और अभी देखो बारिश का क्या हाल हो रहा है भाई। अब ऐसे में कैंपिंग कैसे होगी ये तो हमें नहीं पता, जो होगा आगे देखा जाएगा। चलते भाई दिखाते आपको ऐसे नज़ारे, बने रहो आज तो वीडियो में, आज नहीं हटना बिल्कुल भी, स्किप तो करें ना दियो, आज नहीं करनी। चलो तो भाई कैंपिंग के लिए भाई सब्जी भी ज़रूरी है तो यहाँ से लेते हैं कुछ वेजिटेबल्स और आज कुछ स्पेशल बनाएंगे शाम को। और भाई पहाड़ पे चढ़ते ही तो नज़ारे स्टार्ट हो गया दिखना यार। ये पूरा ऋषिकेश है, पहाड़ से नीचे देखो कितना शानदार दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। तो हम भी एंजॉय करो भाई नज़ारे को। इस बार जैसा प्रॉमिस है तो लोकेशन इस बार डिफरेंट और बिल्कुल टॉप वाली। yes. इधर दिखाने जा रहे बादल, देखिए बादल, और जंगल देखो जंगल। बादल देखो कड़ी निकल सकती है साथ में, है ना? हाँ एक ही, एक टाइम में तो एक ही है। हाँ दूसरी गाड़ी निकल नहीं पाएगी। वो रास्ता देखो कितना छोटा है यार, एक साथ ही गाड़ी निकल सकती है बस। और नीचे पूरी खाई है भाई, एकदम घना जंगल देखो, ऊपर इधर साइड में जंगल, इधर भी जंगल, दोनों तरफ जंगल है इसमें। देखते हैं कैसा बचेगी, बच जाएगी वैसे तो बचेगी। तो भाई यहाँ पे अब दिखाता हूँ आपको लोकेशन कहाँ पे हम लोग रुके हैं अभी। ये देखो भाई यहाँ से क्या शानदार लोकेशन है। तो यार यहाँ पे ये देखो व्यू दिखाए थे। दरअसल हम लोग प्लानिंग कर रहे थे यहाँ पे कैंपिंग की आज, कि यहाँ पे कैंप लगाते। तो गाड़ी उधर खड़ी हमारी, अन भैया से पूछा कि बोला कि यहाँ पे रात को आते जन्मी जागवर, तो दिन में रहते हैं, रात को यहाँ पे कोई रुकता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कैंपिंग अलाउ नहीं। रात को पुलिस वाले, हमने काफ़ी पैसे देके कर लेंगे, मना ही कर दिया यार। और भाई हाँ वहाँ टेंट लगाते अच्छे से, पर भाई ठंड कितनी है यहाँ पे यार। हाँ ये ठंड कितनी है भाई, बहुत बुरा हाल है ठंड का। ओके भैया धन्यवाद। ऊपर तो है ना कैंपिंग यहाँ? चलो आपका बहुत बहुत, आपका नाम भैया? राजवीर। राजवीर जी। तो राजवीर को छोड़ते हैं, हम चलते हैं भाई और आगे देखते हैं कैंपिंग की जगह। तो भाई हम पहुंच चुके कुंजापुरी माता मंदिर, तो दर्शन करते हैं। पहले तो एक रास्ता ही आता है देखना, यही वाला है, इससे आते हैं। सही। चलो जय माता रानी। जय माता रानी। तो भाई पहले दर्शन कर लेते हैं, बाकी काम बाद में, बाकी काम बाद में करेंगे। हाँ क्योंकि जब मंदिर आए हैं तो आज दर्शन कर ही लेते हैं। चलो कैमरे देखो। लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों आज जिम नहीं गया मैं, तो लेग एक्सरसाइज तो हो ही जाएगी। आ जाओ आप तो YouTube चैनल या प्रसाद तो पहले चढ़ गया। ले जाने दो, ले जाने दो, तो चलो भाई कोई दिक्कत। दोस्तों हम लोग पहुंच गए कुंजापुरी माता मंदिर। मंदिर में दर्शन कर ले, माता रानी के प्रसाद चढ़ा दिया है। और भाई यहाँ से हम आपको दिखाते व्यू क्या शानदार है यार। यहाँ से दिस इज़ द व्यू। ऊपर जो है ना क्लाउड्स आपको शायद में दिख रहे नहीं दिख रहे, विंग क्लाउड्स। यस, क्लाउड्स जो है वो ऊपर तक है। हम लोग क्लाउड्स के बीच में थोड़ा अभी थोड़ा थोड़ा क्लाउड्स जो है ना ऊपर आए हुए अभी। तो वी आर इन द क्लाउड्स राइट नाउ और यू कैन सी एंजॉय द व्यू फ्रॉम हियर। क्या शानदार व्यू है यार। फोटो बंदर से बचा रखना। यस ब्लैक क्रो, कम ऑन बड़ी। Yeah, he's our new friend from Sydney, Australia. Max, he's Max. His name is Max. I was given coconut by the priest. This is the prasadam. This prasadam. Yes. In Hindi, it's a prasad. A prasad. Yes. After worship, you get prasad from pandit, and by taking this prasad, you can fulfill all your needs, all your you can say requirements, and you can ask God anything you want. Oh wow! By this prasad. Wow. How's the taste? Huh? How's the taste? I like it. Oh. Yeah. Okay, let's go. Let's take some pictures. So guys, Max with us. Max is also in the car. Very kindly, they gave me a lift. No worry, Max. Actually, we are looking for a tent or an area where we can live today. We can stay. So we are looking for a place for camp. Okay. I shall have a look out. Let's see. So if we get any place for camping, then we'll drop Max there. Otherwise, we'll drop you to Tapovan also. Okay. Okay. Let's see. Let's see. पहले तो एक बार टेंट ही देख लेते हैं कहाँ पे मिलेगा। हाँ तो भाई पहले टेंट देख लेते हैं। टेंट कहाँ पे है? यहाँ पे कैंपिंग की जगह देखते हैं कहीं मिलती है क्या। हाँ। और लेट्स सी कि कैंपिंग की अगर जहाँ मिलती है तो फिर तो कैंप ही लगाएंगे अपना। बिल्कुल। और भाई और मैक्स जो है मैक्स वहाँ से बाई वॉक आया है तपोवन से। इट्स 22 किलोमीटर एक्चुअली 20-30 ऑल्सो यार। इट्स अ माउंटेन एरिया, वो देखो सबसे बड़ी बात है। तो 30 किलोमीटर बाई वॉक। Hats off to you guys. Hats off to you. Hats off to you, Max. I didn't check the distance. Okay. Oh yeah, this is the camp. तो दोस्तों मैक्स को छोड़ने के बाद में हमें एक मिली है कैंपिंग की लोकेशन, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। तो भाई पहुँचते अपनी लोकेशन पे। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए लोकेशन पे। और बहुत देर यार, अभी टाइम कितना हो गया? 11:45 हो गया यार। 11:45। हम लोग सुबह 7 बजे के निकले हुए, 6:30-7 बजे के, और हमें लगभग 12 बज गए यहाँ पे। क्यों? एक तो हम पहले मंदिर गए, उसके बाद हमने यहाँ पे लोकेशंस देखी तो कोई अलाउ नहीं कर रहा भाई सब यहाँ पे। एक जगह तो पुलिस वाले आ गए थे बल्कि कि नहीं यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ पर पुलिस लोकल्स ने मना कर दिया। तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा जगह है, हम लोग वहाँ गए थे इसलिए तो वहाँ कैंपिंग नहीं कर सकते भाई, अलाउ नहीं है। तो अब जाके हमने क्या किया है, इन वजह से बात करिए तो कैंपिंग जो होगी यहाँ पे। ये पूरा जो कैफ़े बना हुआ है, इसका नाम मैं आप मेंशन कर दूंगा इसमें स्क्रीन पे कि इसका नाम क्या है, लोकेशन भी मेंशन कर दूंगा। लेकिन बना बहुत अच्छा है यार। तो गाड़ी हमने वहाँ लगा दी, अपनी कैंपिंग होगी यहाँ पे। अपना एक खुद का टेंट लगाएंगे, खुद की कैंपिंग करेंगे और बस। अब वेट नहीं हो रहा भाई। वहाँ पे सामने देखो व्यूज क्या है, वो ऋषिकेश का व्यू है। देखो भाई सामने पूरा ऋषिकेश दिख रहा है यहाँ से। तो इससे अच्छी लोकेशन हमें मिल ही नहीं सकती। इससे अच्छी लोकेशन यार बहुत शानदार। टावर भी पास ही है और सबसे अच्छी बात टावर ही है। तो नेट भी चाहिए भाई, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो भाई करते हैं स्टार्टिंग, अपना कैंप लगाते हैं। भूख लगी है, सुबह कुछ नहीं खाया सुबह से। मैं तो दूध भी पी के आया था, लेकिन भाई सुबह के रात से कुछ नहीं खाया, भूखे रात से यार। तो अब पहले कुछ बनाते हैं तब जाके कुछ आवाज़। देखो मेरी आवाज़ भी कम निकल रही, तब जाके कुछ आवाज़ निकलेगी ज़्यादा डाउन होगी। हाँ और हवा 10 का भी हो रहा। हवा बहुत ठंडी हुआ यहाँ पर, ज़्यादा ठंडी हवा है। तो इतने एक्सपेक्ट नहीं करी थी हमने, ठंड हो गया। हम करते भाई पहले अपना टेंट लगाते हैं और उसके बाद काम करते हैं। तो मिलते हैं टेंट के बाद, आपको पूरा लूप में दिखाते हैं। तो देख लो कि क्या बन गया। हाँ आप देख लो। लो भाई अपना भी बन गया टेंट। ये देखो भाई, ये है बड़ा टेंट से कोई दिक्कत नहीं है। इस बार पड़ के सोएंगे आराम से। टेंट हो गया रेडी और बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और व्यू देखो, रियल व्यू। तो भाई फाइनली टेंट अपना रेडी हो गया और आपको दिख रही हुई आवाज़ आ रही होगी पापा बारिश की। तो हल्की हल्की बारिश है अभी, बीच में बहुत तेज हो गई थी, हल्के से ओले भी गिरे थे बीच में। तो भाई मज़ा आ रहा है आज टेंटिंग है, टेंट का। हाँ आज मज़ा आया भाई। टेंट एक तो भाई वाटर प्रूफ है, सही चल रहा है, अच्छी बात है। और अभी भाई सुबह से भूखे यार, 1 बजने वाला है और आज इसका भी पहला एक्सपीरियंस है। आज भाई ये हम लोग लेके आए साथ में, वो नहीं है अपना सिलेंडर, आज साथ में ब्यूटन गैस और इस पर आज खाना बनाएगा पूरा। तो भाई पहले बनाते हैं मैगी यार, भाई भूख लगी है बहुत तेज़, इतना टाइम नहीं है। बंद करके होगा सब पढ़ लो की बार बस नीचे। हाँ दोगी सब्जी क्या कहना, क्या सिखाओगे मैं काम। हेलो तो भाई मैगी बनने वाली है बस, टमाटर जा चुके हैं। बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं कि पानी में ही मैगी मसाला डाल के और मैगी डाल देंगे। मैगी एक कैसी चीज़ है, सबका अपना अपना तरीका है। हाँ ये बात, हर इंसान अपने तरीके से बनाता है। हाँ किसी को कैसे पसंद होता है, किसी को कैसे पसंद होती है, इसलिए मैगी इतनी हिट भी हुई है इंडिया में। थोड़ा खोल देखो तो मैगी डाल चुकी है। उसको थोड़ी देर पकने देते हैं। बिल्कुल डोली की तरह ना कह रही हो। यस, डोली चाय वाला डोली चाय वाला, जीप तो निकाल दे एक बार भाई हल्के में मत ले जो डोली पे। नहीं हम तो ले ही नहीं रहे, मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे वीडियो बनाने में, हमारे तो लाइक हमारे मुश्किल से 10 लाइक भाई बंदे को, वो तो अलग बात है। सारे आईटीएन आईएम की सस्ते से मार दी उसने बैठे ने, बहुत खतरनाक बात है। तो 21-21 लाख उसकी वीडियोस पे लाइक आ रहे, बताओ हमारी क्या डिमांड बस बस थोड़ी सी बड़ी ठंडी हवा है, ऐसी ठंडी हवा में चाय का मजा आएगा। चलो जल्दी भाई, भाई हम आ गए अंदर टेंट के अंदर, क्योंकि हम लोग खाना स्टार्ट ही किया था, मैगी खा रहे थे हम लोग, इतने में बारिश वहाँ पे शुरू हो गई यार। तो पहाड़ों की ये ज़िंदगी है, पता नहीं चलता, पल भर में धूप निकल जाती है, पल भर में बारिश हो जाती है। अभी धूप ही निकल गई थी जस्ट, अब बारिश हुई तो हम लोग अंदर आ गए, अंदर बैठ के खा रहे यार। तो आप लोग भी इन्जॉय करो भाई मैगी को, और भाई मिलते हैं खाना खाने के बाद। एक नंबर टेस्ट, एक नंबर टेस्ट। बारिश देखो आ रही है, बारिश बाहर हो रही है, बारिश जो ओले पड़ रहे हैं भाई। अरे कैसे होगा ऐसे, ये तो ओले ओले पड़ रहे हैं, प्रॉपर ओले हैं एकदम। साइज छोटा है। एक बार आपको दिखा दो सर्दी कितनी है यहाँ पे। हाँ भैया हम तो इसमें पड़े आज। तो दोस्तों भाई मैगी हो गई है, मैगी भाई मज़ा आ गया मैगी और चाय में। भाई इतना सुकून मिला खा के यार, कि हम सब भूखे, सुबह से भूखे थे यार, और टेस्ट इतना आया बढ़िया, गजब वाला टेस्ट। खैर पहाड़ों में आप कुछ खाना बनाओ, कुछ भी चीज़ बनाओ, टेस्ट तो बढ़िया आता ही है यार। और बारिश हो रही है यार, कभी बहुत तेज़ होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती है, बस रुक रुक के बारिश हो रही है अभी भी। तो अब हम करते हैं आराम थोड़ा सा, और ये व्लॉग का तो अभी यहीं पर करते, ये थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ व्लॉग बहुत बड़ा हो गया यार, और बाकी चीज़ें जो शाम को खाना बनेगा, कुछ भी कब कराते हैं हम लोग, कुछ भी करते हैं, जो आगे की वीडियो है वो आपको दिखाएंगे भाई साहब अगले व्लॉग में। तब तक भाई बने रहो, आप लोग ऐसे प्यार देते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भाई नए हो तो सब्सक्राइब मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई घुमक्कड़ गाइज को प्रमोट करो, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। सोते हैं भाई, थोड़ी देर आराम करते हैं, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा यार। बाय।